देखिए, ये इस प्रकार बताया गया है क्योंकि उस वक्त दक्षिण भारत में बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने पूरा जीवन ही भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया, इसलिए भक्ति का जन्म दक्षिण भारत माना गया है। कर्नाटक में परिपालन हुआ, जहां आचार विचार शुद्ध होते हैं वहां भक्ति बढ़ती है। आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत नियम अनुसार करते हैं। इसलिए कर्नाटक में भक्ति का परिपालन हुआ, वहां उसने यौवन अवस्था प्राप्त की, पर गुजरात में भक्ति वृद्ध हो गई। उस वक्त गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। यानी स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी के सर पर टीका लगा भी देख लेते तो सब काम काज छोड़कर पूरा गांव इस चक्कर में लग जाता कि इस व्यक्ति को बाहर निकालो, ये गांव खराब कर देगा। उस वक्त भी ज्ञानी तो होते थे, संस्कृत के पंडित होते थे, तो उन्होंने भक्तों के विरोध में श्लोक लिखे हैं। वो कहते हैं कि काष्ठकंठी मृगतिल की, जो तुलसी की माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, कि काष्ठकंठी मृगतिल की पाखंडी ना संशय। ये पाखंडियों के लक्षण है कि काष्ठकंठी मृगतिल की पाखंडी ना संशय, मूर्खा नाम लक्षणम चैते है तप मुद्रा धरो मिता। जो तुलसी की माला पहनते हैं, तप करते हैं, तिलक लगाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, ये सब मूर्खों के लक्षण है। ऐसी स्थिति थी। और बताया गया है कि गुजरात में जो सबसे पहले भक्त हुए थे वो थे नरसिंह मेहता। श्री कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त हुए नरसिंह मेहता, वो गुजरात के सबसे पहले भक्त हुए, इसलिए उनको भी बहुत सताया गया था। लेकिन उन्होंने जो भक्ति का बीज रोपण किया है और उसके बाद जो फसल आई है, तो अब तो स्थिति ऐसी है कि आज गुजरात भक्ति का मुकुट है। गुजरात में इतनी भक्ति है पर उस वक्त नहीं थी, तो वो सब बता रही है। अंत में उन्होंने कहा कि गुजरात के बाद वृंदावन आकर मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये अभी तक वृद्ध हैं। तो सनकादि ऋषि कहे कि आपने उनके लिए कुछ किया नहीं। बोले मैंने किया, मैंने कितने वेद उपनिषद शास्त्र के श्लोक कहे, पर मैं जब तक कहता तब तक तो वो चेतन अवस्था में रहते, मैं जैसे ही चुप होता वो वापस बेहोश हो जाते, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत कथा सप्तापरायण करिए। सप्तापरायण यानी सात दिन की कथा, महीना परायण भी होता है, एक महीने की कथा। यानी कथा इतनी है एक महीने भी चल सकती है, पर समय अनुसार देखकर सप्ताह परायण ज्यादा चलता है। तो उन्होंने कहा कि आप सप्ताह परायण करिए। अब नारद जी कहे सुझाव दिया है, कर भी आप ही दीजिए। तब सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह परायण करते हैं। अब यहां पर पहले दिन की कथा होती है, दूसरे दिन की कथा, करते करते सातवें दिन वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर आते हैं। ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था देते।